दोस्तों अगर मैं किसी से भी पूछूं यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो हर कोई यहाँ पे एक्सिनोस का ही जवाब देता है कि एक्सिनोस चिप है वही सैमसंग के मोबाइल फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके बारे में मैंने पहले बहुत बात करी है कि सैमसंग को शायद एक्सिनोस को पूरा चेंज कर देना चाहिए या उसे खत्म करके टोटली स्नैपड्रैगन पे चले जाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि सैमसंग आकर एक्सिनोस को इतना ज्यादा चाहती क्यों है? और देखा है तो सैमसंग एक जमाने में चिप लीडर हुआ भी करता था, लेकिन आज के जमाने में सैमसंग की हालत है कि जहां पहले सैमसंग दूसरों को चिप्स देता, अब सैमसंग की चिप्स यहाँ पे इतनी ज्यादा बिकती नहीं है। और यहाँ पे जो TSMC जैसी कंपनी है, ज्यादातर लोग बड़े बड़े और एडवांस प्रोसेसर के लिए TSMC का रास्ता ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सैमसंग है वो एक्सिनोस का रास्ता अभी भी लेके पकड़ा हुआ है। तो क्या है पीछे की कहानी और क्या चल रहा है कि करके बात करते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग जो एक्सिनोस से इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है। देखो सैमसंग जो है वो एक्सिनोस के घर की खेती है, यानी कि वो अपने घर में एक्सिनोस चिप को यहाँ पे डेवलप करता है, उसका फैब्रिकेशन भी करता है और सीधी बात है वर्टिकल इंटीग्रेशन में बिलीव करता है। और इसका सिंपल सा रीजन ये कि अगर ये सारी चीजें इन हाउस अगर सारी चीजें डिजाइन करेगा तो उसे यहाँ पे खर्चे कम आएंगे और उसे अपना जो प्रॉफिट होता है वो दूसरी जगह से शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, जो फैब्रिकेशन वाला बिजनेस रहता है ना, ये ऐसा बड़ा बिजनेस रहता है कि यहाँ पे आप अपनी चिप से दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो और दूसरों के लिए भी बना सकते हो अगर आपके पास वैसी कैपेबिलिटी है, क्योंकि तभी जाके मैसिव वॉल्यूम और मैसिव प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। अगर आप खुद के लिए बनाते रहोगे सारी चीजें तो हाँ आप ऑन डिवाइस जो कॉस्ट होती है कम कर लोगे, लेकिन फिर आप अपने ही डिवाइस तक लिमिट रह जाओगे, अब बाकी मार्केट को खाली छोड़ दोगे। और ये चीज TSMC ने बहुत अच्छे तरीके से समझी थी, क्योंकि जब TSMC जैसी कंपनी यहाँ पे शुरू हो रही थी तो उसने पता एक बात देगी कि उस जमाने में ज्यादातर जो कंपनीज थी वो खुद की चिप्स यहाँ पे बनाती थी और खुद ही इनहाउस काफी ज्यादा डेवलपमेंट करते थे और मार्केट में जो फैबलेस आर्किटेक्चर था वो पॉपुलर नहीं था। फॉर एग्जांपल इंटेल जैसी कंपनी अपनी चिप डिजाइन भी करती है, फैब्रिकेट भी करती थी और खुद वो सारी चीजें इनहाउस हैंडल करती थी, जिस कारण से मार्केट में एक लीडिंग पोजिशन उसने बना ली थी। लेकिन उसने ये देखा कि दूसरी जो फैबलेस कंपनीज है जैसे एनवीडिया हो गई, क्वालकॉम हो गई, ये सारी कंपनीज खुद डिजाइन करना चाहती है चिप्स और दूसरों के साथ मैन्युफैक्चर करवाना चाहती है, जिसके अंदर सिर्फ मोबाइल फोन के प्रोसेसर की बात नहीं है, ये मेमोरी चिप्स हो सकती हैं, ये अलग अलग यूज केसेस के अंदर आने वाली आईसीज हो सकती हैं, जीपीयूज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और देखा तो सबकी फंडामेंटल चीजें एक रहती है और उसका बेनिफिट उठा के इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया और TSMC धीरे धीरे मार्केट में बढ़ती चली गई, क्योंकि ये फैबलेस वाले आर्किटेक्चर पे थे, यानी कि खुद अपनी चिप डिजाइन नहीं कर रहे थे लेकिन दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके लिए चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे और ये चीज उनके लॉन्ग रन में बहुत अच्छी हुई। और देखा तो आज के समय में दुनिया के कोई भी गैजेट आप ले ले उसके अंदर कोई ना कोई चिप स्टोरेज डिवाइस होगा, मेमोरी मॉड्यूल होगा, कहीं भी कुछ भी ले ले, ये चिप कहीं ना कहीं TSMC की तरफ से आती है। लेकिन एक बात रहती है कि सैमसंग जैसी कंपनी के साथ शुरुआती दिनों में कई सारी कंपनीज जुड़ी हुई थी। इवन एक एग्जांपल देता हूँ, शुरुआती दिनों के अंदर एप्पल के आईफोन में भी सैमसंग का ही चिप, सैमसंग का ही प्रोसेसर ये सब लगता था। लेकिन 2013 के बाद एक ऐसा समय आया जब एप्पल को भी लगा कि यहाँ पे सैमसंग के साथ वो दिक्कतें आ रही है जिसके साथ वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसके बाद एप्पल ने धीरे धीरे TSMC का रास्ता पकड़ा और TSMC से फैब्रिकेट करवाने लगे। इवन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक आने में एप्पल की A9 चिप आई थी आईफोन में और A9 प्रोसेसर की खास बात ये थी कि यहाँ पे सैमसंग ने 14nm पे इस चिप को यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे TSMC ने इसी चिप को 16nm पे बनाया था। अगर आप आईफोन लेने जाते थे तो आपको पता ही नहीं चलता था कि आपके अंदर मोबाइल फोन में कौन सी चिप है, ये 14nm वाला सैमसंग का प्रोसेसर या 16nm वाला TSMC का प्रोसेसर। और ऑन पेपर ये प्रूफ हो गया था कि 14nm ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा बेटर देगा और आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन रियल वर्ल्ड जब नतीजे आया तो पता चला कि TSMC वाली ज्यादा पावर एफिशिएंट है, ज्यादा बेटर और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। वहीं जो सैमसंग है ये 14nm के साथ लगातार लैग कर रहा है। तो उसके बाद से लेकर आज तक एप्पल ने ये डिसाइड किया कि हम सैमसंग के साथ काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे TSMC के साथ अपनी फ्यूचर में चिप्स बनाएंगे। और एक और सिंपल सा रीजन ये कि सैमसंग ये वो डायरेक्टली उनका कॉम्पिटिशन बनता चला गया, यानी कि एक जमाने जब आईफोन डेवलप हो रहा था तब सैमसंग मोबाइल फोन बनाता था लेकिन वो स्मार्टफोन वाले स्पेस में नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे सैमसंग ने बहुत इंस्पिरेशन ली। इवन इनिशियल जमाने में जो गैलेक्सी सीरीज के फोन आए थे वो बिल्कुल ही आईफोन के कॉपी लगते थे, जिसके कारण एप्पल वालों ने केस भी कर दिया था सैमसंग के, क्योंकि वो एप्पल का डिजाइन को कॉपी कर रहे हैं। और एप्पल को ये बात पता थी कि यार सैमसंग के ऊपर इतना रिलाय नहीं कर सकते, अगर हमने सैमसंग को सारी चीजें एक एक करके देना शुरू कर दी तो इनडायरेक्टली हमारा कॉम्पिटिटर है और हमारी जो चीज है वो हमारे लिए बैकफायर कर सकता है और उन्हें पता रहेगा कि हम लोग क्या चीज बना रहे हैं, जिस कारण से सैमसंग को एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है। ये भी एक तरीका था जिससे एप्पल ने धीरे धीरे सैमसंग के ऊपर अपनी जो रिलायंस होती
होती है वो तोड़ना शुरू कर दी। इवन बात की जाए तो आईपैड के अंदर जो सबसे एडवांस टैंडम ओलेड डिस्प्ले आता है उस डिस्प्ले को भी वो एलजी से बनवाते हैं, क्योंकि एलजी अब उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है नहीं, एलजी स्मार्टफोन स्पेस में है नहीं, एलजी डिस्प्ले पैनल बना रहे तो उससे बनवाएंगे। सैमसंग डायरेक्टली कॉम्पिटिशन है, टैबलेट हो गया, लैपटॉप्स हो गए, आपका स्मार्टफोन्स हो गए, हर जगह। ये भी काफी बड़ा एक रीजन था जिस वजह से एप्पल को जैसी कंपनी को ये लगा कि सैमसंग को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी सैमसंग के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन एप्पल को ये भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो सैमसंग है उसकी फाउंड्रीज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि देखा जाए तो एग्जैक्टली में चिप्स अच्छी डिजाइन हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम का आ रही है जब सेमीकंडक्टर डिवीजन में जब फैब्रिकेट होती है वहां पे कहीं ना कहीं आज भी बैटरी ड्रेन और आपको देखने को मिलती है हीटिंग इश्यू। और ये प्रॉब्लम इतनी लंबी है कि इसको हम एक डेकेड से कह रहे हैं कि सैमसंग को फिक्स करना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। इवन एक और बात बता सकता हूं कि सैमसंग ने यहां पे क्वालकॉम के लिए भी प्रोसेसर बनाने शुरू किए थे, और जो जो प्रोसेसर क्वालकॉम के लिए बनाए थे स्नैपड्रैगन में उनके अंदर भी हीटिंग आई थी। यानी कि अगर आप लोग याद है तो कुछ साल पहले स्नैपड्रैगन 888 आया था, उसके अंदर भी हीटिंग इश्यूज थे। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 आया तो उसमें हीटिंग इश्यूज थे, लेकिन फिर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 से क्वालकॉम ने यहां पे सैमसंग के साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर बनाना बंद कर दिया और सिर्फ टीएसएमसी के साथ बनाने लगे, कि जिससे बेनिफिट ये स्नैपड्रैगन के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है। और आज के समय में अगर मैं मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बात करूं तो सबसे एडवांस चिप्स जो कंपनी जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ही है, क्योंकि मोबाइल फोन में प्रोसेसर वो लोग बहुत ही अच्छे बना रहे हैं, जिसके अंदर जीपीयू पे काम होता है, सीपीयू पे काम होता है, और टीएसएमसी का यूज करके जो थर्मल एफिशिएंसी और बैटरी मैनेजमेंट मिल रहा है वो भी कमाल का है। लेकिन सैमसंग वाले अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। इवन आप खुद देखिए कि सैमसंग आज के समय में अपने महंगे फ्लैगशिप वाले मॉडल में स्नैपड्रैगन डाल के देता है। अब इसे यही मैसेज जाता है यार एक्सिनोस थोड़ा सा एक लेवल पीछे और स्नैपड्रैगन ज्यादा बेटर है, और सबसे प्रीमियम फोन में आप स्नैपड्रैगन ले लो ताकि आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देखने को मिले, क्योंकि सैमसंग को भी पता है वो फ्लैगशिप वाले फोन के साथ बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर मान लो उसने अल्ट्रा में एक्सिनोस चिप ले लिया, थोड़ी सब स्टैंडर्ड निकल गए, उसमें हीटिंग इश्यूज आ गए, तो यहाँ पे सैमसंग के लिए भी दिक्कत हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि फिर वो आईफोन से भी नीचे यहाँ दिखेगा। सैमसंग भी ना ये बात नहीं चाहता, इसलिए वो स्नैपड्रैगन वहाँ यूज कर लेता। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सैमसंग का एक्सिनोस चिप रहती है ना, ज्यादातर सैमसंग के बजट और मिड रेंज फोन में बहुत देखने को मिलती है, और हमें पता है कि ज्यादातर जो सैमसंग के बजट और मिड रेंज फोन होते हैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और इवन मीडिया टेक के प्रोसेसर से भी कई बार पीछे हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग या एफिशिएंसी के अंदर बात करें। ये भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो सैमसंग को इधर फिक्स करना है। और इसके साथ ही ये भी आप समझ के रखिए कि सैमसंग का जो एक्सिनोस चिप है वो अभी के समय में धीरे धीरे तो आ रहा है मार्केट में, और कंपनी उसे मार्केट करती है, और सैमसंग उसे बताता भी है कि हमारा चिप पहले से ज्यादा बेटर है, ज्यादा एडवांस है, और स्नैपड्रैगन को हर बार टक्कर देगा। लेकिन आप खुद देखिए कि इस साल सैमसंग ने गैलेक्सी S24 का स्नैपड्रैगन का वर्जन भी निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि ऑलरेडी S24 का एक्सिनोस वर्जन वो पहले निकाल चुके, तो उन्हें पता है क्या दिक्कतें हैं, और अब S24 का स्नैपड्रैगन, अगर उन्हें स्नैपड्रैगन निकालना होता तो 1.5 साल पहले अगर निकाल दिया होता ना तो वो ज्यादा बेटर चीज होती। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि सैमसंग के मोबाइल फोन्स के साथ बात कर तो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है यार, वो वही प्रॉब्लम है कि एक्सिनोस आज के समय उतना ज्यादा एडवांस नहीं है। और ये प्रॉब्लम सैमसंग के मोबाइल फोन के साथ नहीं, उनकी सेमीकंडक्टर डिवीजन और जो फैब्रिकेट करती है वहां पे दिक्कत है, जहां पे फैब्रिकेशन होता है, और सैमसंग की जो सेमीकंडक्टर प्रोसेस है जिसमें फैब्रिकेशन का यूज किया जाता है उसे पूरा का पूरा चेंज करने की जरूरत है। हालांकि इसमें सैमसंग इसलिए भी फंसी हुई है क्योंकि एक जो मशीन फैब्रिकेशन के लिए आती है ना वो ASML जैसी कंपनी बनाती है, और ASML बहुत लिमिटेड मशीन बनाती है, बिलियंस ऑफ की एक मशीन आती है। तो समझ के रखिए कि सैमसंग के लिए इतना आसान नहीं कि रातों रात एक मशीन बदल के सारी चीजें फिक्स करते, कई सालों का इंतजार लगता है। और मेरे को लगता है कि सैमसंग को शायद इंटरनली बात पता है, इसलिए सैमसंग का जो प्रोडक्शन होता है चिप्स का वो भी थोड़ा सा लो हो रखा है, जिसके कारण आने वाले समय में अगर अपने फैब्रिकेशन प्रोसेस को पूरा बदले या नई फैब्रिकेशन वाले प्लांट ओपन करें तो शायद चीजें फ्यूचर के अंदर हम बदल सकते हैं। वहीं टीएसएमसी जैसी कंपनी मार्केट शेयर लेती जा रही है और एक से एक चिप बनाती जा रही है। टीएसएमसी के पास सबसे बड़ी चीज है कि उसको ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और इस वजह से टीएसएमसी जैसी कंपनी एडवांस चिप्स के ऊपर भी काम कर रही है, 3nm 2nm पर भी बना रही है, और उन्हें पता है कोई भी अगर उनकी 2nm 3nm अलग वाली चिप यहां पे बना ले फिर भी उनसे बेटर चिप्स ये लोग यहां पे डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर थर्मल एफिशिएंसीज वगैरह हो। और तो और ये भी बात मैं आपको बता सकता हूं कि टीएसएमसी जो है ना उसके ऊपर कंपनीज का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, उतना ज्यादा है कि एनवीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई वो भी टीएसएमसी को ट्रस्ट करती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन भी वहां से प्रोसेसर बनवाती है, मीडियाटेक भी बनवा रही है, इंटेल के बारे में न्यूज आ रही है कि वो भी बनवाएंगे वहां से, यहां तक कि एप्पल की सारी चिप्स वो लोग वहीं से बनवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मोनोपोली यहां पर हो गई है। अगर सैमसंग वाले टीएसएमसी से बेटर अगर फाउंड्री क्रिएट करते तो उनके लिए बेटर चीज है, या फिर मेरी नजर में सबसे बेस्ट चीज है कि एक्सिनोस को एक बार टीएसएमसी के थ्रू बनवा कर देखें और देखें कि अगर प्रोसेस में अगर
इंप्रूवमेंट है तो फिर एक्सिनोस को वहीं से बेटर करने की कोशिश करें, ये एक बात रहेगी। अब देखने वाली बात है कि आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, क्या S26 में एक्सिनोस की एंट्री फिर से होती है, स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है, और फ्यूचर के जो सैमसंग के फोन होते हैं वो एक्सिनोस के साथ कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। मेरे को पता है आपसे कई सारे लोग सैमसंग का फोन यूज करते होंगे जिसमें एक्सिनोस का चिप होगा, तो आपका एक्सपीरियंस उस चिप के साथ कैसे, जरूर से नीचे कमेंट बताइए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ नया सीखा है तो। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।